एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है उसको इनलार्ज करके लिखना, टू स्प्लिट अ नंबर एंड राइट इट बाई इट्स डिजिट वैल्यू। सो अगर मान के चलिए हमारा एग्जाम्पल रहेगा 6000, सो इसे हम एक इंडिविजुअल टर्म हमेशा बनाते रहना है ऐसे ब्रैकेट में, और जिसे हमें एडिशन से शो करना है। इसका प्लेस वैल्यू यहाँ हमको लिखना है और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोगों को उसका प्लेस वैल्यू लिखना है और उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ भी डिजिट रह सकता है, इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे। सो पहला क्वेश्चन है 1, 5, 7, 6 एंड 8। 1, 5, 7, 6 एंड 8 इसका हम लोगों को एक्सपेंड फॉर्म करना है। सो 1 का हो जाएगा ब्रैकेट में हम लोगों को करना है, क्योंकि हम लोगों को हमेशा इसका इंडिविजुअल फॉर्म बनाते रहना है। सो 1 और इसी का इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सबसे इजी हम लोग सॉल्व ऐसे करेंगे, 1, 2, 3 एंड 0। 1 के बाद 4 डिजिट्स है तो इसको हम लोग 4, 0 यहाँ लिख देंगे, फिर बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। अगेन उसी तरीके से 5 के बाद 1, 2 एंड 3। सो 1, 2 एंड 3 जितने डिजिट्स उतने ज़ीरो हम लोगों को पुट करते जाना है और बीच में ऐड का साइन देते जाना है। अगेन 7 के आगे है 1 एंड 2, सो 1 एंड 2, फिर प्लस, देन अगेन 6, इसको फिर से ब्रैकेट में, इसके आगे 1 है बस तो यहाँ हम लोग एक ही ज़ीरो देंगे, देन प्लस, और 8 के आगे कुछ भी नहीं है इसलिए हम लोगों को यहाँ बस 1 लिख के छोड़ देना है। ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है 3, 0, 8, 9, 2 एंड 7। सो हम लोग इसको यहाँ पहले लिख लेंगे 3, 0, 8, 9, 2 एंड 7। फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड का मतलब ही होता है उसको स्प्लिट करना, उसको इनलार्ज करना। सो 3 अगेन ब्रैकेट और फिर 1 और हम लोग यहाँ पे 0 काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, फिर प्लस करना, ये इसका ना प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ऐसे हम लोगों को हर का इंडिविजुअल टर्म बनाते रहना है। 0 को हम लोगों को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोग अब 8 का करेंगे। 8 का 1, 2 एंड 0, तो 1, 2 एंड 0। देन 9 का, अब 9 का हो जाएगा कितना है 2 एंड 7, सो 1 एंड 2, 2 और 7, 0 2 हो जाएगा। और फिर 2 है और 2 का भी यहाँ 7 है तो बस इसका एक ही 0 होगा, और फिर 7 के बाद एक भी डिजिट नहीं है तो हम लोगों को इसका बस 1 लिख के ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट है 2, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 9। सो इसको हम लोग पहले यहाँ लिख लेंगे 2, 4, 0, 5, 6, 0, 9। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 2, इसको ब्रैकेट में 1 के बाद कितने 0 देने हैं, जितने डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब फिर बीच में प्लस, देन 4 का 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन 0। 0 पे हम लोगों को ध्यान देना है कि इसको हम लोगों को लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। सो अगेन 5 हो जाएगा यहाँ, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, और फिर 6 इसका है 1 एंड 2। अगेन 0 एंड देन 9 के आगे कुछ नहीं है, सो 9 इंटू 1। नेक्स्ट है 5, 3, 6, 1, 8, 4, 9 एंड 3। इसमें एक भी 0 नहीं है इसलिए हम लोगों को इसका पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 5, 3, 6, 1, 8, 4, 9 एंड 3। सो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 5
इंटू वन, और कितने डिजिट्स है, हम लोगों को जीरो अच्छे से काउंट करना है, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देन 3, इसको इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 का हो गया. देन 6 का एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ 6 था तो ऑब्वियसली यहाँ 5 ही बचा. 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बिकॉज 1 2 3 4 डिजिट्स है, यहाँ 4 0 हो जाएगा एंड 4. उसके बाद 8, 8 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 2 एंड 3, 3 0 से 1 2 एंड 3, देन 4, 1 एंड 2, 1 एंड 2, देन 9, 9 के बाद बस एक डिजिट है तो यहाँ बस एक 0 हो जाएगा, और फिर 3, इसके बाद एक भी डिजिट नहीं है, ये हमारा आंसर. सो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, 5 के बाद जितने डिजिट वैसे ही उतने 0 हो जाएंगे. नेक्स्ट एन इंटरेस्टिंग वन, फिर से 6 0 6 0 6 0 0 एंड 6. सो हम लोग यहाँ पहले इसको लिख लेंगे 0 6 0 6 0 0 एंड 6. इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 6 है तो इसको कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो हम लोगों को यहाँ 7 0 लिख देना है, 3 4 5 6 एंड 7, एंड अगेन 0. सो 0 को मेंशन ही नहीं करना है. उसके बाद फिर 6, कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, अगेन 0, फिर 6, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, देन अगेन अगेन 0, ओमिट, देन डायरेक्ट 6, मल्टीप्लीकेशन बाय 1, दैट विल बी आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 1 0 1 0 5 1 एंड 0, 9 1 0 1 0 5 1 एंड 0. इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद वाले डिजिट से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, प्लस करेंगे, ये हम लोगों का इंडिविजुअल टर्म बनते जा रहा है, और फिर 1, उसके बाद है 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट्स, एंड 0, अगेन 0 ओमिटेड, देन अगेन 1, 1 2 3 एंड 4, सो 4 0, 1 2 3 एंड 4, अगेन 0, वी डोंट हैव टू रिक्वायर मेंशन अबाउट एनी काइंड ऑफ 0, सो 5 का हो जाएगा 1 एंड 2, 1 एंड 2, देन 1, 1 के बाद एक डिजिट है तो इसको हम लोग 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 0 से कुछ इसका लिखना ही नहीं, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा. सो आज के लिए इतना ही, इसके आगे के क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.